सीतामढ़ी पुलिस थाना अंतर्गत एक मोबाइल चोर टोली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां 3 लोगों का समावेश है। मामले की जांच के दौरान निष्पन्न हुआ कि इस टोली ने नागपुर के कई नामचीन मोबाइल शॉप से महंगे मोबाइल चुराए। दरअसल सीतामढ़ी पुलिस ने शहर में मोबाइल चुराने वाली झारखंड टोली के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में सुब्राती शेख, साबरी शेख, उम्र 20 वर्ष, मोती झरना महाराजपुर निवासी, शेख खुश नसीब, शेख सकीम उम्र 19 वर्ष, मैगनीपुर निवासी और एक नाबालिका समावेश है। 15 अगस्त को फरियादी डॉक्टर रवि दासवानी का मुंजर चौक स्थित हल्दीराम रेस्टोरेंट के बिल काउंटर से मोबाइल चुराया था, जिस दौरान मामले की जांच में नाबालिग का भी समावेश होने की बात पता चली है, जिसका संज्ञान लेते हुए सीतामढ़ी पुलिस के विशेष दस्ते ने नाबालिग का पीछा किया, जहां चित्र स्पष्ट हुआ कि कुछ लोग कामठी में किराए से रह रहे हैं, जिसके बाद नाबालिग को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई, जहां उसने टाल मोटल भी की, लेकिन जांच में पुलिस दबिश देते हुए जानकारी पता चली कि उसके घर से 27 महंगे मोबाइल और 9,37,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि यह आरोपी मूल झारखंड के निवासी है और यहां आकर किराए के घर में रहते हुए अपराध को अंजाम देते थे। इस मामले में निहित अपराधियों पर गुनाह दर्ज कर आगे की जांच जारी है, जिसकी जानकारी दी पुलिस उप निरीक्षक राहुल बंजारी ने। सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन का जो एरिया है तो वर्दळीचा एरिया है, कायम तिथे गर्दी असते आणि मोबाईल चोरीचे जे गुन्हे ते घडत असतात, त्यामुळे आम्हाला तक्रारी प्राप्त होत असतात, त्यामुळे आम्ही नेहमी तिथे पेट्रोलिंग करत असतो। दिनांक 15/8/2023 आम्ही पेट्रोलिंग करत असताना तिथे आम्हाला एक बालक संशयास्पदरित्या फिरताना दिसला। आम्हाला त्याच्या ज्या हालचाली ज्या संशयास्पद दिसल्या, त्यामुळे आम्ही त्याच्यावर पाळत ठेवली, त्याच्या तो राहतो कुठं काय त्याच्यावर आम्ही, त्यामुळे आम्ही 2 टीम तयार केल्या, त्या दोघं टीमला त्याच्या मागे तो राहतो कुठं याची माहिती घ्यायला सांगितली। त्यांनी जी माहिती आणली तो राहतो कुठे, तो कामठी येथे राहत होता, त्यामुळे त्या 2 टीमला आम्ही रात्री छापा टाकायला सांगितला। त्यांनी त्यांच्या घरात छापा टाकला असता त्यात अजून 2 आरोपी आम्हाला मिळाले, त्या दोघं आरोपींची आम्ही चौकशी केली असता त्यांनी आम्हाला उडाउडीचे उत्तर दिले। आम्ही त्या घराची झडती घेतली असताना आम्हाला त्या घरात 27 मोबाईल मिळाले, ते 9,37,000 किमतीचे होते, त्यामुळे त्यांना आम्ही अटक करून माननीय न्यायालयासमोर त्यांना पेश केले। माननीय न्यायालयानं त्यांना 5/8/2023 पर्यंत त्यांना PCR दिलेली आहे, पुढील तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।